कानी रंडा की सरकार है, झूठा की बौछार है, लेन देन ना खकनी, साहूकारी में सकनी है, नंगड़ा की सरकार है। इनका टेटुआ में जब तक लाठी नहीं देंदे, जब तक इनके समझ में नहीं आंदे। हरियाणवी बात है, ये प्याज भी खावेंगे, जूत भी खावेंगे और फैसला भी देंगे। ओए काम है ये मामले के एक रहे निचोड़ निचोड़ कर अंगली लल लेकर देखा है, दिखाई इन किसानों में कितने दम रह रहे हैं। पर इन लोगों ने नू को नहीं बेरा, हम 100 साल तक लगातार लड़ने वाली कौम है। हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि नस्ल और फसल की बात है, रोटी और बेटी की बात है, जमीन और जमीर की बात है, और स्वाभिमान की बात है। इस लड़ाई को हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि इस सरकार का सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगा। और हम इस प्रशासन को, सरकार को झुकाने का मादा रखते हैं। जो देश का प्रधानमंत्री है, हमने तो वो को नहीं छोड़िया, ये तो सोचा है कि मैं कौन था जींदाला। तो 2024 के बाद सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगी। विधानसभा और संसद के अंदर कब्जा गरीब का, मजदूर का, महिला का होगा, ताकि ना रवेगी बांस और ना बाजेगी बांसुरी। सिक्कम जी, जैसे कि यहाँ पर एक कॉल दी गई थी कि 12 बजे ट्रैक जाम करेंगे, तो किस तरह का बीच में जो तालमेल रहा प्रशासन के साथ और क्या फैसला लिया गया? वही बात आपना बताया, ये दो जूते भी खावेंगे, प्याज भी खावेंगे। हमारा हरियाणा में एक कहावत है, निबला एक माड़ा आदमी था, वो उसका एक काम था, वो जूत भी खांदा और प्याज भी खांदा। ये भी इसने प्याज भी खा लिए और जूत भी खा लिए, मतलब यूए फैसला देना था। तो आज से एक दिन, मतलब जिस दिन हमारी शहादत हुई थी, उसे दिन देश का था, पर इसने उस दिन नहीं दिया। ये मामले के एक रहे निचोड़ निचोड़ कहना है, अंगली लल लेकर नू देखा है, दिखाई इन किसानों में कितने दम रह रहे हैं। पर इन लोगों ने नू को नहीं बेरा, हम 100 साल तक लगातार लड़ने वाली कौम है। और हम इस प्रशासन को, सरकार को झुकाने का मादा रखते हैं। जो देश का प्रधानमंत्री है, हमने तो वो को नहीं छोड़िया, ये तो सोचा है कि मैं कौन था जींदाला। तो हमें मारे सिर्फ धैर्य कि ये नू देखें थे ये कितने कदम है इनमें, तो इनके समझ में आएगी भाई ये लड़ाका कौम है और इनती मतलब फैसला देना ही था। तो आज फैसला कर लिया, सवेरे तक भी फैसला कर सके थे, पर इनती क्या करना है, हमारी जो एनर्जी है उसको वेस्ट कराना है, लोगों को इकट्ठा कराना है, जो पैसा है उसको वेस्ट कराना है, टाइम को वेस्ट कराना है। ये हमने उलझाया रखना चाहवा 2024 तक। तो हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि नस्ल और फसल की बात है, रोटी और बेटी की बात है, जमीन और जमीर की बात है, और स्वाभिमान की बात है। इस लड़ाई को हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि इस सरकार का सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगा। और व्यवस्था परिवर्तन जब होगा, जब हम खेड़ा खाप और खेत इनको बचा पाएंगे, क्योंकि खापे हरियाणा का जो आपने पता कल्चर है खाप का, और यह बिनाड़ खाप है, या तो ऐसी खाप है जड़ा अड़गी तो समझ ले पीछा हमने तो हटना सीखा ही कोनी। और आज इस खाप का दम पे पूरा हरियाणा की खापे आई, और खापों के हिसाब से, संगठनों के हिसाब से, मजदूरों के हिसाब से, और महिलाओं के दम पे हम अपना फैसला मनवा पाए इस सरकार तक। इससे जो अब मीटिंग चली थी अंदर जी, तो क्या क्या मैन मांगे रहे? मैन मांगे ये माननी है कि सरकार जो बच्चा है, क्योंकि उसकी माँ और बाप हैं जो जो हमारा सुरेश है, वो आंखों से अंधे है, और जो उनका बेटा है 9 साल का, पत्नी उसकी नहीं है, 9 साल का जो बेटा है उसका पढ़ाई का सारा खर्चा सरकार उठेगी, और जो मुआवजा है यानी जो आर्थिक मदद है वो भी दी जाएगी। इसके अलावा जो सरकार ने मतलब बिना मतलब के केस लगाए थे वो भी वापिस होंगे। इसके बाद जो ये सरकार है हमारी, सरकार के जिन लोगों के अत्याचार के कारण उसने आत्महत्या यानी शहादत दी है, उन लोगों के ऊपर भी केस होगा और उनको सस्पेंड किया जाएगा। इस लड़ाई का जो इतना लंबा समय रहा, उसकी क्या वजह रही? जो इतने वजह ये रही कि यह नू देखना चाहती थी, दिखाई इन किसान में कि मैं दम सहा के ये भूल गए, हमने हथियार घर अंदर रखे थे, जंगल कुल लग रहे उनका, हम तेल पानी लगा तैयार रखा इनका थरलट, यानी रंडा की सरकार है, झूठा की बौछार है, लेन देन ना खकनी, साहूकारी में सकनी है, नंगड़ा की सरकार है। इनका टेटुआ में जब तक लाठी नहीं देंदे, जब तक इनके समझ में नहीं आंदे। हरियाणवी बात है, ये प्याज भी खावेंगे, जूत भी खावेंगे और फैसला भी देंगे। ओए काम है इनकी, तो मतलब फैसला तो देना है पर रो पीट के देना। पर हम भी इसे हाँ, हमने भी सरकार का समझ में आएगी, इनके गिट्टी के ऊपर पैर रखा जब तक हमने फैसला नहीं देना। फैसला देना इनकी मजबूरी थी, और आज फिर किसान और मजदूर की और खापों की सबसे बड़ी जीत हुई है। जो हमने शहादत दी उसके अथर हम उसकी भर्ती नहीं कर सकते, और उस बच्चे के शरीर सिर से जो एक बाप का साया गया है उस चीज़ की हम भर्ती नहीं कर सकते। पर जो हमने लेना था सरकार तक, वो इस सरकार का बिल्कुल नू नहीं कह रहे, आँख में आँख डाल का हम अपना जो हक है उनको ले पाए। और ये यहाँ का मामला नहीं, सरकार कहीं भी किसी भी मुद्दे पर किसी भी क्षेत्र में यदि किसान को, मजदूर को, महिला को टोकने का काम करेगी, छेड़ने का काम करेगी, तो इस इतिहास को हम बार बार दोहराएंगे। और 2024 के बाद सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगी। विधानसभा और संसद के अंदर कब्जा गरीब का, मजदूर का, महिला का होगा, ताकि ना रवेगी बांस और ना बाजेगी बांसुरी। नारी एक शक्ति है जी, नारी एक शक्ति है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हर मुद्दे के साथ पिछले दिनों कम नहीं आई है, हेड कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस पानीपत जो सिंह में जी, उनको सरकार ने कुछ इस तरह से
डिसमिस कर दिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? सिंघम तो एक बात बताओ, हमारे आज का टाइम का भगत सिंह है, कोई बात नहीं, नौकरी गई होगी या खापे हैं ये लोग खड़े हैं, हम करता है जिस ईमानदारी से वो काम कर रहे थे। पता क्या जी, ईमानदारी तो अड़े चंदी है को नहीं, ईमानदारी तो चंदी है को नहीं है सरकार, सरकार तो नुकवा है खाओ और खिलाओ और नीचे के लोगों का शोषण करो, ये दो ही वर्ग चाहती है, एक बिल्कुल मध्य वर्ग यानी जमा नीचे का वर्ग नीमन जिनती हम मजदूर कमा, और एक मतलब है ठाट धर्म है जिसमें मान ले ए लेवल के ए क्लास के जो कर्मचारी आगे और अपने MLA MP मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, यानी एक अमीर और एक गरीब, और हम मजदूरों की मामने मजदूरों की कमेटी में लेना चाहवा, मजदूरों की मतलब लेवल में लेना चाहवा, पर इनती बेरा को नहीं, हम मध्य वर्ग है, टैक्स हम दे वहाँ, इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मध्य वर्ग से चल रही है, और आने वाला टाइम में इसने इसकी औकात बताया काटांगे, क्योंकि इंकलाब बोल रहा है और सत्ता का सियासन डोल रहा है।